नमस्कार, मैं राजा जैन, गूगल व यूट्यूब एड्रेस विशेष थेरेपी, प्रियदर्शनी कॉलोनी, रायपुर, छत्तीसगढ़। ये साइनस ऑक्सीजन ब्लड सर्कुलेशन थेरेपी है और ये आप दुनिया में पहली बार समझेंगे और सीखेंगे। ये पॉइंट है, इसको ध्यान देंगे और आगे वीडियो सुनेंगे। ये वाला पॉइंट है, ये मेटाबॉलिज्म का पॉइंट है। ये अभी अपन जो सांस ले रहे हैं उसमें सिर्फ 40% फेफड़े यूज हो रहे हैं, बाकी जो 60% फेफड़े हैं उसका वर्किंग होता नहीं है। और आप हमेशा प्राणायाम या उसके लिए समय नहीं निकाल पाते हैं, इसीलिए ये 9 बार नौकार मंत्र करके आप दिन भर में किसी वक्त भी जब किस तरीके से गहरी सांस लेते हैं, ये साइनस का पॉइंट है। नाक जहाँ खत्म होती है होंठ में साइनस का पॉइंट है, ये मेटाबॉलिज्म का पॉइंट है और ये अपने पूरी बॉडी का ब्लड सर्कुलेशन मेंटेन करता है। जहाँ अपना होंठ खत्म होता है और नाक आपस में होंठ में जाके जुड़ती है, इसको ध्यान से समझ लें। नाक और होंठ का बीच का जो जोड़ है उसमें अपने को उंगली से हल्का प्रेस करना है, हल्का नखून से प्रेस करना है, ये साइनस का पॉइंट है। और एक बार गहरी सांस लेना है, पूरे फेफड़े फुलाना है और ओम नमो हरियंताना आखिरी में बोलना है, सांस को रोकना है और उसके बाद सांस छोड़ना है। उसी तरह फिर इसको दबाना है और गहरी सांस लेना है, ओम नमो सिद्धाणम। इस तरीके से आपको पूरा नवकार मंत्र एक बार दिन में करना है। और अगर कोई 8-9 बार इसको कर लेता है बीच बीच में, 1 मिनट लगता है, तो उसको इतनी ज्यादा प्राण ऊर्जा मिलेगी नौकार मंत्र की शक्ति के साथ, साइनस के पॉइंट के साथ। और ऑक्सीजन लेवल जब आदमी का बढ़ता है तो हर मेटाबॉलिज्म आपका बूस्ट हो जाता है। अपने को कोई खाने की जरूरत नहीं है उपास में, क्योंकि ऑक्सीजन इंपॉर्टेंट है। अपना फैट डिजॉल्व होता है, जो बॉडी का फैट है वो एनर्जी देता है, लेकिन लोग ये भूल जाते हैं कि उसके लिए गहरी सांस लेना है। गहरी सांस अगर नहीं लेते तो कार्बन बॉडी में बढ़ जाता है और जब कार्बन बढ़ जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं निकल पाता, तो अपने को ऐसा लगता है हमारा शरीर टूट रहा है। इसीलिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है अपने फेफड़े को मजबूत करना और उसके लिए ये गहरी सांस लेना है। और जब आप जल लेते हैं उपवास के समय जल लेते हैं, तब भी इसी तरीके से एक सिप लेना है और ओम नमो हरियंताना बोल के फिर दूसरा सिप लेना है। इस तरीके से पूरे नवकार मंत्र को कंप्लीट करना है। अगर कोई सिप सिप करके नहीं पी पाते बाद में, अगर सिप सिप करके नहीं पी पाते, जनरल लोगों के लिए बता रहा हूँ, मुंह में पानी भर लेना है, पूरा जितना आप समा सके उतना पानी भर लेना है और एक घूंट अंदर करके ओम नमो हरियंताना बोलना है, फिर दूसरा घूंट अंदर करके ओम नमो सिद्धाणम बोलना है। इसी तरीके से 9 घूंट करके पानी को अंदर करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो घटाघट पानी पीते हैं उनकी किडनी वीक हो जाती है, कोशिकाएं ऑक्सीजन को बॉडी के अंदर ले जाती है। इसीलिए साल में 1-2 बार ब्लड टेस्ट करा के अपने बॉडी के अंदर जो जो कमी है उसको जरूर दूर करें, ताकि जब आपको उपवास करने का अवसर आए तो आपकी बॉडी एकदम फिट और पावरफुल रहे। जब रेड ब्लड सेल्स ऑक्सीजन को अंदर लेके जाते हैं तो अंदर उसको होल्ड करने के लिए आयरन की जरूरत होती है। सबसे इम्पोर्टेंट आप ध्यान देंगे, जब कितना भी आप प्राणायाम करेंगे, अगर आपका रेड ब्लड सेल्स नहीं रहेगा तो अंदर ऑक्सीजन जाएगा नहीं। अगर रेड ब्लड सेल्स ठीक है, आयरन की कमी है, तो बॉडी में ऑक्सीजन होल्ड नहीं होगा। इसीलिए आयरन रिच फूड उपवास के समय या फिर जब आप उपवास करने से पहले इस तरीके के फूड को आप अपनी बॉडी के अंदर लेने से आपकी बॉडी जो है उसके लिए तैयार हो जाएगी। और सिद्धि तप वालों के लिए आयरन रिच फूड बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जैसे मसूर की दाल, केला, इस तरीके के आयरन रिच फूड या लोहे की कढ़ाई में खाने से सबसे ज़्यादा आयरन मिलता है। लोहे की कढ़ाई में अगर कोई सब्जी बनाते हैं उसमें सबसे ज़्यादा आयरन मिलता है। अब जैसे आपके पास आयरन हो गया तो आपका ऑक्सीजन लेवल बढ़ गया, लेकिन आयरन बाइंडर भी कोई चीज है, वो है विटामिन सी। कोरोना के समय आपने ध्यान दिया होगा कि विटामिन सी के कितने
कितना ज्यादा मास हो गया था, क्योंकि विटामिन सी आयरन को बॉडी में होल्ड करता है। इसलिए अगर आपके पास रेड ब्लड सेल्स है, आयरन भी है और विटामिन सी नहीं है, तो आपका आयरन जो है बॉडी में रुकेगा नहीं, आपका ऑक्सीजन बॉडी में रुकेगा नहीं। इसलिए विटामिन सी दुनिया का सबसे टॉप फूड कहलाता है। और दुनिया का सबसे टॉप फूड है आंवला। आंवला जो है 15 नींबू के बराबर, 20 संतरे के बराबर, 15 मौसमी के बराबर विटामिन सी है। इसलिए जब आप तपस्या करते समय या पार्टी करते समय आंवले का जरूर प्रयोग करें। आंवला सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और शिमला मिर्ची और जाम, ये तीन चीजें सबसे ज्यादा विटामिन सी, क्योंकि अपन इतनी सारी चीजें लेते हैं तो उसमें अगर आप ऑक्सीजन से भरपूर चीजें जो ऑक्सीजन लेवल बढ़ाती है वो नहीं लेंगे, क्योंकि अमेरिकन विटामिन थेरेपी बोलती है एवरी डिजीज इज कॉज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन मिनरल कैल्शियम। आप जो दवाई लेते हैं उसमें कोई ना कोई विटामिन मिनरल कैल्शियम साथ में कॉम्बिनेशन रहता है, और आप उस चीज को नहीं समझ पाते, उस विटामिन की कमी से आपको वो दवाई दी जाती है। मैं राजा जैन विशेष थेरेपी के नाम से मेरा प्रियदर्शनी कॉलोनी में सेंटर है, जहाँ ट्रेनिंग और ट्रीटमेंट दिया जाता है इसी तरीके की थेरेपी का। ऑल्टरनेटिव मेडिसिन थेरेपी का कोर्स डायरेक्टर हूँ मैं। और आप कभी भी यूट्यूब में मेरे 250 से ज़्यादा वीडियो है, 1,00,000 से ज़्यादा व्यूज है, और अभी तक आप लोग के आशीर्वाद से 100 के आसपास